व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे लाइक मी। तो आज का दिन है संडे। संडे बहुत ही फ्री होता है मोस्ट ऑफ सबके लिए। तो आज हम लोग आपको घुमाने वाले हैं कहाँ पे मालूम है? उदल मोड़ा। उदल मोड़ा जाने के लिए आपको धानपुर आना पड़ेगा। मीन्स हम लोग तो दाऊद से आ रहे हैं, जो धानपुर है यहाँ से 22 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम लोग पहले धानपुर जाएंगे, फिर वहाँ से उदल मोड़ा जाएंगे, ठीक है? तो ये पूरी ट्रिप आपको फुली इंजॉय होने वाली है। तो गाइस हम लोग उदल मोड़ा के लिए तो निकल गए हैं, और रास्ते में इतनी सुंदर लोकेशन ये दिख गई है आप लोग को, हम बताते हैं। ये देखो, दिस इज जस्ट अमेजिंग। ये देखो वहाँ जाते पूरा। सो गाइस ये देखो, ये हम लोग धानपुर उदल मोड़ा के लिए जा रहे थे, तो बीच में वाली लोकेशन है। और ये देखो अभी यहाँ जाएंगे हम, फोटो शूट करेंगे। तो गाइज जैसे कि आप लोग उदल मोड़ा के लिए आएंगे, तो आप परफेक्टली गूगल पे लोकेशन इनपुट कर देना, ठीक है? तो उदल मोड़ा के जस्ट एंट्री में आपको ये चीज़ दिखेगी, ये आप देख रहे हैं बड़ा सा गेट, यहाँ से अभी एंट्री लेनी हमें। उदल मोड़ा गुजराती में लिखा है। अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो थोड़ी दिक्कत है, दैट्स व्हाई गूगल इज बेस्ट। ओके, गूगल आपको परफेक्टली लोकेशन बता देगा यहाँ का, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लोकेशन रख दिया, तो आप लोग देख लेना। ये अभी गेट है, अब यहाँ से अंदर जाएंगे हम लोग। ये लिखा हुआ है उदल मोड़ा कैंप साइट रेंज खंजेटा वन पहाड़ी विभाग वडोदरा। सो गाइस ये देखो, अरे आटली नहीं थोड़ी कर जाओ, हाँ बस आ जाओ ना थोड़ी थोड़ा यार, अपनी फेवरेट्स है। तो यहाँ खड़ा था और यहाँ दो बच्चे लोग आम खा रहे थे, ये बस पक ही गया। तो भाई आम मेरा फेवरेट है, खासकर कच्चा वाला। मीठे से ज़्यादा मुझे क्या कच्चा वाला अच्छा लगता है, बरोबर। शुभ नाम से तुम्हारो? सुखराम। तुम्हारा? मनहर। चलो शू काम का चालू सही? ओ अच्छा अच्छा, कितना दूर से उदल मोड़ा अंदर? थोड़ा का अच्छी ना, ठीक है ठीक है। सो गाइस यहाँ से अपने अभी चलेंगे, फिर मजा आएगा आपको। भाई मैंने ये आम खाया सीरियसली, ये देख रहे हो थोड़ा आपको कच्चा दिख रहा होगा, पर मीठा लग रहा है एकदम, मजा आ गया बहुत टाइम बाद। ये वाला यार लेके जाएंगे अपने, क्या बोलते हो? सही है, ये ऐसे आम मिल जाएंगे अपने को रास्ते में तो लेके जाएंगे। आपको पता है मेरे दोस्त ने आज पहली बार आम देखे हैं इस सीजन के। सही है, अहमदाबाद रहता है तो जो गांव के जो देसी आम होते हैं पहली बार देखा तो खुश हो गया है। अच्छा पर हमें तो पता है दोस्तों, मतलब कि वो अपने सिटी में मजा ही कुछ और, सिटी में आते हैं ना तो वो क्या पता नहीं कैसे आते, बट ये वाला क्या पेड़ वेड़ से तोड़ के बच्चे लोग खा रहे थे तो मैंने ले लिया। सो गाइज हम लोग अभी उदल मोड़ा के मेन एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं, तो आपको मैं यहाँ पर डिटेल बताता हूँ। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। यहाँ पर ये बर्ड्स हैं, मतलब कि यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो बर्ड वॉचिंग होता है ना वो, खासकर जैसे कि यहाँ पर है ये किंगफिशर, बट दिस इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। किंगफिशर, इंडियन पीटा, एंड ये क्या लिखा है, दिस इज़ इंडियन पेंगोइन, फिर स्लॉट बियर हो गया, फिर हॉर्नऑल हो गया, जंगल कैट। तो मतलब कि इस तरीके से आप जैसे कि बर्ड वॉचिंग हो गया, फिर एनिमल वॉचिंग हो गया, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी गुड। तो अभी यहाँ से अंदर जाते हैं, अंदर जाके पूरा आपको दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मेन लोकेशन पे, ठीक है? तो ये जो है आप पीछे देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये लॉज है, मतलब कि जंगल लॉज। जैसे कि आपको अगर स्टे लेना हो तो यहाँ ले सकते हैं। और दूसरा स्टे का ऑप्शन क्या है मालूम है? वहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो कैंपिंग साइट है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर आके लॉज का फील लेना है तो लॉज का फील ले सकते हैं, और कैंप का मतलब कि जो टेंट वाला सीन है उसका फील लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ये सिचुएशन है, देखो ये रहा लॉज है, अभी थोड़ा सा कलर काम ये सब हो रहा है मेंस। जैसे कि अभी चल रहा है आज जो है 12 तारीख है, मतलब कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो मेन जो ये लोकेशन है उदल मोड़ा, फिर ये हो गया रतन महल हो गया, फिर जो नालडा हो गया, मतलब कि ये सब चीज़ें मानसून एरिया में मानसून सीज़न में कवर कर सकते हैं। तो अभी देखो ये इस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जैसे कि सीज़न आने वाला है, तो दैट्स वाई सब रेनोवेटिंग काम ये सब हो रहा है, साफ़ सफाई, ये देखो ये सब। तो देखो ये लॉज का तो सिस्टम है ये वाला, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कैंटीन मिल जाती है, ये कैंटीन,
मेन पता है यहाँ पर सब लोग खाने आते हैं दाल पानिया, मतलब कि दाल पानिया इज जस्ट फेमस बट ऑन ऑर्डर। जैसे कि आप तो बल्क में आ रहे हो 10-15 लोग, तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि तभी बनता है। जैसे कि हम 2-3 लोग आ रहे हैं तो ठीक है, अभी हम लोग ने चाय और पोहे का ऑर्डर दे दिया है, अभी उन लोग जाएंगे लेने फिर बनाएंगे। ओके, फिर ये सेकंड लोकेशन आ जाती है। हम जैसे कि ये इधर से यहाँ है और ये आप ऊपर देख रहे हो, ये देखो स्टंटमैन। एक यूट्यूबर को क्या क्या करना पड़ता है, देखो ऊपर चढ़ गए देखो ये। ओके, तो ये आपने लॉज देख लिया, ये कैंटीन देख ली, ये एक क्या बोल सकते हैं ऑफिस है एक। फिर अब यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, मेन एंट्री। तो यहाँ से हमने एंट्री ले चुकी है और दिस इज जस्ट ग्रेट। तो हम लोग अंदर आते हुए ये देखो, ये दो है, क्या सीन है भाई इधर का। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक लॉज ही बोल सकते हैं, होटल बोल सकते हैं, स्टे के लिए बोल सकते हैं। अब यहाँ हम ऊपर चलेंगे थोड़ा, क्या सीन है भाई, फर्स्ट टाइम लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। नाम बहुत सुना था उदल मोड़ा का, जैसे कि वडोदरा से पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, अब हम यहाँ बुकिंग करा देंगे तो बस मॉर्निंग का क्या व्यू आएगा इधर देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार, सच में क्या व्यू है देखो ये रहा। अभी अंदर तो हम जा नहीं सकते, तो अब यहाँ से ही कुछ आपको बताएंगे, यहाँ से आप देख लो लोकेशन और सामने है नदी। देखो एक नोटिस भी लिखी इधर कि आप नदी में नहाने नहीं जा सकते, कृपया करके मत जाना। अब पॉसिबल चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे से देखते हैं कुछ व्यू में फर्क आता है कि नहीं आता है। आप बताओ थोड़ा, आपका दो मिलते तो आगे पीछे से आपके घूमते रहते, आपका रिव्यू तो दो थोड़ा कि कैसी लग रही प्लेस आपको। नहीं बहुत बढ़िया है, आप एक बार आइए, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप आइए, बहुत मजा आएगा। तो किस एज ग्रुप को आना चाहिए, जैसे कि सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, हर किसी एज ग्रुप के लिए ये जगह है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज्यादा कहीं चढ़ना है या उतरना है, आराम से आ सकते हो आप, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है और सुविधा भी अच्छी है। और आप पहले फोन करके आओगे तो आपको खाना भी अवेलेबल मिल जाएगा कैंटीन में, मतलब ऑर्डर लेना होगा आपको ऑर्डर के हिसाब से बताया। तो हमने अभी बोला है तो शायद उन्होंने बोला कि चाय और पोहा हो जाए शायद हमारे लिए। सो गाइस ये देखो, दिस इज द व्यू, बहुत ही बढ़िया। ये बड़े से पत्थर पे तो हम फोटो क्लिक कराएंगे जरूर। डस्टबिन आर ऑल्सो देयर, सो गंदगी हम कर नहीं सकते, डस्टबिन है तो उसमें डालो। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा व्यू, मतलब कि ऑन संडे आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ना आपको आइडिया दूँ मैं कि आप आ रहे हो कपल्स में आ रहे हो, ये वाला रूम ले लो और मॉर्निंग का जो सनराइज होगा वो आपको 100% देखने मिल जाएगा, बिकॉज सनराइज इज इन द ईस्ट और ये रहा ईस्ट है। ठीक है, तो गाइस अपनी जो चाय है आ चुकी है, पोहे आ चुके हैं, ये देखो पोहे, बट हमारे पास सेव नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, बट क्या करें, खाना तो पड़ेगा। पेट भरने के लिए सुबह से कुछ भी नहीं खाया, क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी सी भूख थोड़ी सी नींद खो चुके हैं हम। तो अब इसे टेस्ट करते हैं कि कैसा लग रहा है। ओके, पोहे आलू वाले यार, इसमें बस एक चीज़ की कमी है, वो है सेव, अगर सेव मिल जाती तो सब में मज़ा आ जाता। चाय को टेस्ट कर दे, घर वाली चाय लग रही है, होटल वाली थी घर वाली। तो आप लोग ने ये जो पीछे लॉज देखा है ना, वो है उसका प्राइस 1750 रुपीस पर नाइट, मीन्स 24 आवर्स। और जो वो वाला है सामने, जो दो है उसमें कपल्स है, मतलब कि टू लोग ट्विन, तो उसका प्राइस है 3500। तो ये सीन है, तो आप लोग को आना हो तो आ सकते हैं, बट फॉर बुकिंग आपको वडोदरा से करानी पड़ेगी और मुझे आइडिया नहीं कि किस तरीके से वो होता है। आई थिंक उदल मोड़ा करके कोई वेबसाइट होगी, उस पर आपको बुकिंग कराना है, फिर ही होगा आगे का सीन। और उसमें फूड इंक्लूड है, ए टू जेड, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ए टू जेड। ओके, सो दिस इज द गार्डन हियर इन फ्रंट ऑफ लॉज, ये है पूरा, मतलब कि एक बोलते हैं ना पीस वाली जगह, पीस मतलब कि शांति आपको मिल सकती है इधर आराम से, बहुत अच्छा शांति एकदम। ऊपर से क्या कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग उदल मोड़ा से बस ये नीचे उतरे, तो ये देखो यहाँ पर है ना आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, एक कैंप साइट, मतलब कि आपको कैंपिंग करनी हो तो कर सकते हैं यार, सही में एक बार तो इधर कैंपिंग करना बनता है 100%। ये सोलर पैनल देखो, ये नकली पेड़, और ये देखो ये क्या आउल भी है। नाइस।